we shall simply wish us to money more to not be more about that. But after this much step of that work, I'm back in Ireland, I'm back in Ireland, seeing the secret of that day, seeing the secret of that day, silence, and then. शिष्टि मानव मुख्यमंत्री महोदय के चरण कमलों में शत शत नमन वंदन एवं अभिनंदन मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण के जन मानस को शत प्रतिशत विकास की धारा से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित लोक कल्याणकारी मनोरथ से सतत चतुर्दिक सुख एवं समृद्धि का प्रसार करने वाले मंचासीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धे परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत नमन वंदन एवं अभिनंदन हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माननीय सांसद सदर क्षेत्र का हम सभी आज की इस धरा पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय महापौर महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन समस्त मंचासीन विधायक गण का हम सभी अतिथि देवो भव की परिकल्पना से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए भाटी विहार के पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज की इस धरा पर समस्त जनमानस की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस धरा पर स्वागत एवं अभिनंदन स्वागत एवं अभिनंदन के उपरांत आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथियों के सम्मुख आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तुत करें सादर अनुरोध परम पूज्य पीठाधीश्वर गोरखपीठ तथा उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परियोजना के भूमि पूजन व शिलान्यास के कार्यक्रम स्थल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण व गोरखपुर की प्रबुद्ध जनता का अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचस्थ समस्त अतिथिगण का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम कुल इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा 42 परियोजनाओं जिनकी लागत लगभग 72 करोड़ रुपए है उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की लगभग 68 करोड़ की योजनाएं हैं और लगभग 10 करोड़ की योजनाएं अन्य विभागों की हैं। मुख्य रूप से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो लगभग 2 एकड़ में होगा इसको हम लगभग 6 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे खेल जैसे कि लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, मल्टीपर्पज हॉल, शूटिंग इत्यादि का इसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ साथ ताल रिंग रोड का एक निर्माण जो लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास आज कराया जाएगा, और इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में लगभग 63 स्कूलों का कायाकल्प और उनको स्मार्ट क्लास में परिवर्तित करने का कार्य भी आज शिलान्यास किया जाएगा, जिसको जल्दी ही उसको पूर्ण भी कर लिया जाएगा। अंत में मैं आए हुए सभी अतिथियों को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि प्राधिकरण और जनपद के इस कार्यक्रम हेतु आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अतिथिगणों के स्वागत उद्बोधन के साथ हम माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय महापौर महोदय, धन्यवाद संचालिका महोदय। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के अभिभावक संरक्षक गोरक्ष पीठाधीश्वर परम आदरणीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज
उनके साथ में उपस्थित सदर सांसद अत्यंत लोकप्रिय श्री रवि कृष्ण शुक्ल जी, विधायक ग्रामीण विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, सहजनवा के विधायक आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ल जी, बांसगांव के विधायक विमलेश पासवान जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी एवं जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री युधिष्ठिर सिंह जी, उनके साथ अन्यान्य मंच पर उपस्थित सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर अपनी उपस्थिति यहां दर्ज की और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस सभागार में उपस्थित इस क्षेत्र की जनता, सभी पार्षदगण एवं मीडिया के बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जब हम बचपन में थे तो एक कहावत सुना करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन वो समय बहुत पीछे छूट गया। आज आप जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं और उसी क्रम में आज हम सभी यहाँ इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए ये एक वरदान साबित हो रहा है और जिस तरह से सभी विधाओं में गोरखपुर के जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, संगीत का क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो, बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं और स्पोर्ट्स में भी कुछ ऐसा ही है और वो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है और इन खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा उपहार होगा महाराज जी द्वारा। मैं दो एक बातें और अपनी कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। हम इस समय अभी कल ही हमने वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है, वो अपने सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणा से ये कार्य शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक 30 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम समझते हैं कि हम कहीं इससे ज़्यादा वृक्षों को लगाने का संकल्प पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे, पौधे नहीं लगाएंगे, तो ये गर्मी और तेजी से बढ़ती जाएगी और वातावरण हमें कष्टकारी होता चला जाएगा। और दूसरा अनुरोध ये है कि पिछले 4 दिनों से विशेष स्वच्छता रैली का हम आयोजन कर रहे हैं और लगभग 40 वार्ड हम लोग समाप्त कर चुके हैं और अगले 4 दिनों में सभी वार्डों में ये रैली पूरी की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि अपने शहर को स्वच्छ, साफ सुथरा और स्वस्थ रखने के क्रम में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम सभी यहाँ अपने मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए बेकरार हैं। मैं आप सभी को अपना यथोचित प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर उपस्थित गोरखपुर सदर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी उपस्थित हैं। माननीय सांसद महोदय से एक विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को अभिसंचित करें।
परम पूज्य महाराज जी जब मंच पर रहा ना और मंच अपने आप में ज्वलित हो जाला और उज्वाला ऊर्जा में हमनी जे मंचासीन बागल अगल का रहिला हमनी लोगन का बुद्धिया बंद हो जाला। तब वो हम महादेव से निवेदन करब कि दू गो शब्द हमारे कपारे चढ़ जाए, हम ऐसे हमारे परम पूज्य महाराज जी के हमनी के आस्था के केंद्र हिंदू सम्राट गोरखनाथ बाबा के पीठाधीश्वर के चरणों में हम वंदन करब, अभिनंदन करब। महाराज जी के जय हो। एक बार महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली होके के चाही। और ताली के बहुत सारा कारण बा, उस कारण पर हम आई। हम श्री धर्मेंद्र सिंह जी जे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष MLC महोदय, हम उनकर मंच पे स्वागत करत हैं। हम माननीय विपिन सिंह जी विधायक ग्रामीण, उनके स्वागत करत हैं। श्री महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइज, उनके स्वागत करत हैं। श्री बिमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, उनके स्वागत करत हैं। माननीय प्रदीप शुक्ला जी सहजनवा, उनके स्वागत करत हैं। श्री युधिष्ठिर सिंह जी अन्य जिला अध्यक्ष, उनके स्वागत बा। श्री राजेश गुप्ता महानगर अध्यक्ष, उनके स्वागत बा। और श्री धर्मदेव चौहान जी जे बहुत मेहनती पार्षद बाड़न और उनके जितैला सब लोग, उठाते रहम, उनके स्वागत करत है। और अभी कालीबाड़ी वाले महाराज जी हमरे साथे बैठल बाड़न, हमनी दोनों में अभी थोड़ा सा मिलन हो रहा है, तो एक उनके स्वागत खातिर कालीबाड़ी महाराज जी खातिर एक जोरदार ताली। थोड़ा हमनी के मन मुटाव रहे, लेकिन अब थोड़ा बातचीत आगे बढ़ रहा है। देखिए कहाँ तक बढ़ता है कि फिर बिगड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी जो हमारे महापौर जी गए हैं अद्भुत से, एकदम आप देख रहे एकदम छरहरा चेहरा हो गया है महापौर बनने के बाद, और उनकर 12 साल कम उम्र कम हो गई उनकर। तो ऐसे महापौर मंगलेश श्रीवास्तव जी जो पैथोलॉजिस्ट रहना ईस्टर्न यूपी के वेल नोन, और उनके महापौर सब लोग बना देला, उनके स्वागत बा। पूज्य महाराज जी के धन्यवाद। महापौर जी काल 30 करोड़ पेड़ लग गई, काल 30 करोड़ पेड़ लग गया। महाराज जी को धन्यवाद महाराज जी कि ये सोच ये विचार कि भैया हो इतना गर्मी हो रहा है, लोग पेड़ काट दिया, पेड़ नहीं लगा रहा है, और पेड़ जब लगे लगल तो काल महाराज जी आह्वान कही ना हम भी लगाए यहां, हमारे कुल मंचासीन सारे माननीय विधायक और सारे MLC महोदय सब लगाई ना, महाराज जी स्वयं लगाए। कल 30 करोड़ का टारगेट कल ही पूरा हो गया, 15 तक हमके लगा था कि 60 करोड़ तक पेड़ लग जाएगा। और वो पेड़ लगे का बहुत सारा कारण बा, वो आप लोगन के मालूम बाटे, ऑक्सीजन से लेके जीवन सब कुछ आपको पेड़ से मिलता है। और पेड़ रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, पेड़ नहीं रहेगा तो आप जीवित नहीं रहेंगे। तो सब लोगन से निवेदन बा, जितना माई बहन लोग आज बा, कुल माई बहन लोगन के प्रणाम, सब लोग आई हैं। अब सब लोग भी यहाँ से मंच के बाद यहाँ से जा जाके खोज खोज के एक पेड़ अपने अपने घर के अगल बगल में सब लोग जरूर लगाइए। आज 72 करोड़ का शिलान्यास महाराज जी करत रहन। महाराज जी का शिलान्यास मतलब महाराज जी का उद्घाटन, समझ ला सबके मालूम बा, में कोनो इफ एंड बट नहीं के। एक ऐसा सोच कि हमारे बच्चा लोग यशस्वी, प्रधानमंत्री मोदी जी खेलो इंडिया के जैसे बढ़ाओ ना, पूज्य महाराज जी खेल के प्रति बहुत बहुत सतर्क रहते हैं कि भैया हमारे बच्चे लोग आगे स्पोर्ट्स में आए, मेरे बच्चे खेलें, मेरे बच्चे आगे बढ़ें, मेरे बच्चे किसी भी एथलीट से कम ना हो, मेरे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जाएं। अगर गोरखपुर का बच्चा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, वो किसी भी एथलीट, अमेरिका हो या चाइना हो या जापान हो, किसी से वो पीछे नहीं होगा। उसके लिए क्या, तो बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां शूटिंग रेंज भी है, एथलीट भी है, जिमनास्ट भी है, रनिंग भी है, ऑल द पॉसिबल थिंग। जितना भी अब अपने लड़का बच्चा लोगों के फिटनेस के लिए लेके आपको आगे जाना है स्पोर्ट्स, चूंकि आपको पता है कि राज्य सरकार पूज्य महाराज जी ने कई करोड़ रुपए की फैसिलिटी रखी है इनाम के रूप में भी। अगर आप
ओलंपिक्स के लिए जाना चाहते हैं बच्चे, कुल माई बहन बच्चा लोग यहां बैठे हैं, युवा पीढ़ी भी बैठा है, आप लोग ट्रेंड करें, ये कॉम्प्लेक्स आपके घर में आ गया। जोन भाटी इलाका बा भाटी बिहार के इलाका, तो आप सब भाटी बिहार के इलाका के लोग अपने लिए तो गड़गड़ा के ताली बजाओ कि पूज्य महाराज जी स्वयं लेके आ गए आप लोग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां आपकी बेटी, आपका बेटा, पहली बात सुनिएगा, बेटी भी और बेटा भी सब जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, स्पोर्ट्स में शूटिंग रेंज होगा, एवरीथिंग, ऑल द पॉसिबल थिंग, बच्चे फिट रहेंगे, ओलंपिक्स में जाएंगे, पढ़ाई भी होगी, स्पोर्ट्स भी होगा, और उसके साथ साथ पूज्य महाराज जी ने जो बहुत सुंदर सौगात दी है जो हमके भी बहुत पसंद आ गई, महाराज जी कहत रहना रामगढ़ झील देख ले बड़ा, कितना लोग रामगढ़ झील देखा है, कितने लोग जाते हो वहां शनिवार रविवार के, तो बहुत लोग जाना, और 31st की नाइट को 1.5 लाख लोग जाते हैं, तो वहां जाइए तो आप रामगढ़ झील के महाराज जी ऐसा एक रिंग जैसे एक हीरे की माला पहनाते हैं, पूरा रामगढ़ झील पर एक माला बनी, रिंग रोड जी के कहल जाला, वो पूरा लाइट से सजेगा, एक सुंदर होगा रामगढ़ झील, वहां आप लोग घूमिएगा। स्वच्छता तो रख रहे हैं नगर निगम के द्वारा, हमारे महापौर द्वारा एक पूरा योजना है, आप लोग बहुत बढ़िया करताड़ा कि आप लोग सफाई देख रहे हो, हम देख रहे थे, महाराज जी भी तारीफ भी कर रहे थे कि मोहल्ला साफ बा, मोहल्ला महाराज जी के आने से साफ हुआ है, कि आप लोग साफ किए हो या आप लोग नहीं किए हो तो आप लोग को साफ रखना चाहिए अपना गली मोहल्ला, आप साफ सफाई रखें, इंसेफ्लाइटिस जैसे गायब हुआ तो उस हिसाब से आप लोग वो भी ध्यान दिया, यह निहोरा बाटी आप लोगों से कि आज गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है हर तरीके से, हजारों करोड़ की सौगात, पूज्य महाराज जी जब भी आते हैं एक दिन के लिए आएंगे, जहां भी रही आई हैं कुछ सौगात दी है, ऐसे सौगात जिससे आपके आए वाला 50 साल का पीढ़ी, ये कुल योजना 50 साल बाद भी काम आएगी, आपके आने वाली पीढ़ी, आप लोगों के लड़का, आप लोगों के बच्चा खातिर वो सब सोच के महाराज जी एक एक योजना लिया है ना, योजना के संहार के रखिया हो, बहुत मेहनत से, बहुत जोड़ के, बहुत तपस्या से, एक निस्वार्थ संत हमारे महाराज जी, इस सोच रखा ना कि कैसे हम अपने प्रदेश के, कैसे अपने गोरखपुर के लड़का बच्चा के नाम पूरा देश में जाए, आज हमारे बच्चे आई आईपीएस और इस सारी पढ़ाइयों में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, हमारे बच्चे आईपीएस भी बन रहे हैं, गोरखपुर से रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था, बेटी हम देखे कोई एक 90% सारी बेटियां 95, 98, 99% भी लेके आई हैं, तो ये सारी चीजें वृद्धि हो रही है, हम मेडिकल के में आगे जा रहे हैं, हम पढ़ाई में आगे जा रहे हैं, हम सुरक्षा व्यवस्था में आगे जा रहे हैं, त्रिनेत्र के माध्यम से महाराज जी पूरा सीसीटीवी लगा हुआ तड़न, सड़क का जाल बन गई बा, बिजली हर घर नल से जल, अभी प्रधानमंत्री का योजना चला था, किसान के खाता में पैसा आता 5 लाख इलाज खातिर मिला था, जब ये सारी योजनाएं आप लोगों को मिल रही, अब आप लोगों के काम बा ओके संभारा, ओके सजो के रखा, और याद रखिए कि जब एगो निस्वार्थ संत और मोदी जी यहां पूज्य योगी महाराज, ये दूगो निस्वार्थ संत रहिया, ये देश का कल्याण हुई, हमारे प्रदेश का कल्याण हुई, हमारे गोरखपुर का कल्याण हुई, जहां एगो हमारे न हमारे एगो छीटा प्रधानमंत्री बेबा, ना हमारे पूज्य महाराज जी बेपा, इस निस्वार्थ सोच ही महाराज जी को आज देश में सबसे सर्वोच्च मुख्यमंत्री बनाती है, हर प्रदेश में इनका डिमांड बा, हर जगह सिर्फ कराना का महाराज जी, इनकर सोच कि हमारे लड़का बच्चा खातिर हम का करी, इनकर सोच कि कैसे माँ बहन बेटी का इज्जत सुरक्षा व्यवस्था हो, इनकर सोच कि सारी योजनाएं धरातल पे उतरे और सारी योजनाओं में कोई कटौती कमी ना रहे, कहीं कोई गलत काम ना हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, कहीं कोई पाप ना हो, यही सोच महाराज जी को आज महाराज जी बनाती है, यही सोच के वजह से आप लोग महाराज जी को पूछते हैं, एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, अपने महाराज जी खातिर, एक बहुत बड़ा कद होला निस्वार्थ संत के महाराज जी का, और ये प्रेम बनौले रखा, ये आशीर्वाद बनौले रखा, बाकी महाराज जी का निरंतर सेवा चलत रही, लेकिन आप लोगों के भी याद रखे के बा, ये कुल जोन मिलता एक एक कैसे संहारे के बाटे, और ये भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार के सोच बा, भारतीय जनता पार्टी के सोच बा, एगो ऐसा सनातनी सोच
जहां हर जन का कल्याण हिंदू का भी है तो मुसलमान का भी है। अगर यहां कोई मुसलमान भी रहता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स में जाएगा स्पोर्ट्स में, या हिंदू भी रहता है, ये सोच महाराज जी की। मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूं। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के बोल दे सावन का महीना बा नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव दुख हरे कष्ट हरे शत्रु हरे महादेव कुल कृपा करे कुल शत्रु लोगन के नाश हो। इस ओजपूर्ण उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए सादर धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव अपनी आशीर्वचन के साथ साथ सब कुछ देना ही चाहते हैं। आज एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लाभार्थियों को शुभेच्छा के साथ किट वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से किट वितरित कर लाभार्थियों को आच्छादित करें। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे श्री नीरज जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पीएम स्वनिधि के लाभार्थी श्री नीरज जी। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करें। 10,000 रुपये की ऋण राशि के साथ इसके उपरांत श्रीमती सविता देवी जी वाइफ ऑफ श्री राम अवध पादरी बाजार से इसके उपरांत हम आमंत्रित करेंगे श्री भगवान दास जी पुत्र स्वर्गीय सोमन जी महुआ चौराहे पर आपकी वेंडिंग की दुकान है। इसके पश्चात श्री हरगुण कुमार जी सन ऑफ श्री राम निवास जी वेंडिंग की दुकान इनकी है करजहां में। इसके पश्चात श्रीमती मोना देवी जी स्वर्गीय जितेंद्र कूड़ाघाट में। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के श्रीमती उर्मिला देवी जी वाइफ ऑफ श्री लक्ष्मी शंकर जी श्री कपिल पासवान जी। आप सभी की तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करें कि यह समाज उन्नति की ओर बढ़ रहा है। श्रीमती प्रेमशीला देवी जी माननीय मुख्यमंत्री जी वार्तालाप करते हुए श्रीमती वीणा देवी जी वाइफ ऑफ श्री शैलेंद्र जी श्रीमती रानी देवी जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय शेखर सैनी जी। इसके पश्चात श्रीमती प्रेमशिला जी अपने आवास की चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई एक जोरदार तालियां पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए सादर धन्यवाद के साथ कि आपका यह वरद हस्त एवं संरक्षण जनमानस पर सदैव बना रहे। सादर धन्यवाद महोदय। आप अतिथिगणों से अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आज विकास श्रृंखला का वीडियो का प्रस्तुतिकरण जनपद गोरखपुर में किस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा के अनुरूप शासन द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उसे किस प्रकार अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग संचालित कर रहा है इसका संक्षिप्त वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत है। वीडियो की प्रस्तुति देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में आधुनिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति को न केवल नई दिशा दी है बल्कि हर क्षेत्र में बढ़ने के अवसर दिए हैं। खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट ओलंपिक पोडियम स्कीम खेलो इंडिया यूथ गेम्स सांसद खेल महाकुंभ और यूनिवर्सिटी गेम्स से खेलों में भारत का प्रदर्शन बता रहा है कि सकारात्मक सोच सही प्रशिक्षण और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो भारत संसार में किसी से कम नहीं है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न ही नीतियां थीं न नियत।
युवा भ्रष्टाचार से हताश थे। योगी सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था दी, जिसने युवाओं में उत्साह और जोश भर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेलों में नई परंपरा की शुरुआत करते हुए सभी ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं का सम्मान किया, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर रही है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है, जो युवाओं को प्रेरित कर रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई, युवाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, मेरठ को स्पोर्ट्स हब और वाराणसी तथा गोरखपुर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, हर जनपद में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और तमाम अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम हो, इसके लिए राज्य सरकार उस प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। गोरखपुर में 5 एकड़ में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। अब गोरखपुर में ही गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के रोमांच का आनंद लिया जा सकता है। इस विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बोटिंग, वाटर बाइकिंग, स्कीइंग आदि की सुविधा विकसित की गई है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6.18 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ में विस्तृत मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी की विधायक निधि से हो रहा है। साथ ही 72 करोड़ रुपए की अन्य 42 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जा रहा है। उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अब गोरखपुर खेल कूद के क्षितिज पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मुहैया कराने को तैयार है। युवा शक्ति देश की तरक्की। आज इन्हीं विकास की श्रृंखलाओं में एक नई कड़ी को जोड़ने के लिए मंचासीन अतिथिगण हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप माननीय सांसद गण के सानिध्य में अपने कर कमलों से बटन दबा करके आज परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम तालियों के साथ 77.80 करोड़ की लागत से 43 परियोजनाओं का शिलान्यास उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय सांसद माननीय विधायकगण के सानिध्य में संपन्न होता हुआ हम सभी हृदय से आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आपका वरद हस्त एवं संरक्षण सदैव बना रहता है। चिंतन जिनका अतिशय पावन नाम शिव स्वरूप उस सदगुरु को बारम्बार प्रणाम। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा जनमानस को आशीर्वचन प्रदान कर हम सभी को कृतार्थ करें सादर अनुग्रह। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक गण गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, पिपराई से श्री महेंद्रपाल सिंह जी, सैजनवा से श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव से डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी,
कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी और यहाँ के स्थानीय पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी, महानगर के सभी पार्षदगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज गोरखपुर के युवाओं के लिए एक नई सौगात भाटी विहार कॉलोनी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना का कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं यहाँ के सभी युवाओं को, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, यहाँ के खिलाड़ी आए हैं, इन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूँ और हृदय से बधाई देता हूँ कि यह नई चीज गोरखपुर में पहली बार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापित हो रही है, जहाँ पर एक साथ कई प्रकार की खेल गतिविधियों को एक अच्छा मंच प्राप्त होगा। युवाओं के मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो जज्बा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस कार्य का यहां शिलान्यास हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में एक शूटिंग हॉल का निर्माण, जो मल्टीपर्पज हॉल भी होगा, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण भी यहां पर होगा, एक प्लेग्राउंड भी होगा, पार्क का निर्माण भी होगा। ये सभी गतिविधियों को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरे कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें 3 करोड़ रुपए, मैं गोरखपुर नगर से विधायक भी हूं तो उस विधायक निधि का भी पैसा उस कार्य के लिए हम उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए खेल की गतिविधियों में, जिसमें रनिंग ट्रैक 300 मीटर का होगा, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें स्क्वैश, जिम, जूडो, वेट लिफ्टिंग आदि की वहां पे सुविधाएं भी होंगी, 10 मीटर राइफल और पिस्टल शूटिंग की रेंज भी होगी और यहां पे अन्य आंतरिक विकास के कार्य भी यहां पर एक साथ एक स्थान पर गोरखपुर के युवाओं को उपलब्ध हो पाएंगे। आज इस कार्य का यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। मैं शिलान्यास के अवसर पर गोरखपुर के सभी खिलाड़ियों को, युवाओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे आज रामगढ़ ताल के रिंग रोड, आपने देखा होगा पैल्डेगंज से सर्किट हाउस तक तो सड़क है, लेकिन इसके बाद ताल में चारों ओर सड़क नहीं है, 2 लेन की एक सड़क ताल के चारों तरफ अगर किसी को घूमना हो और ताल को निहारना हो, ताल के रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस की ओर तो बहुत भीड़ हो जाती है, भीड़ को चारों ओर स्थान मिल सके और पर्याप्त मात्रा में नगर और गोरखपुर नगर में आने वाले लोगों के लिए पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उसे विकसित किया करने की दृष्टि से आज यहां पर 2 लेन की सड़क के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य संपन्न होना है, इसका शिलान्यास का कार्य भी आज हो रहा है, जिससे रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण को और आगे बढ़ाया जा सके, उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी स्कूल हैं
उनमें से बहुत सारे विद्यालय जर्जर हैं, उन सबको ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से विद्यालय का अच्छा भवन हो, विद्यालय में अच्छी फ्लोरिंग हो, फर्नीचर हो, हर क्लास के लिए क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लास भी हो, लाइब्रेरी भी हो और बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा अलग हो, पेयजल की सुविधा भी हो, वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक जगह पर बच्चों को प्राप्त हो सके और अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। इन सभी विद्यालयों के लिए 63 ऐसे स्कूल हैं जिनको हम स्मार्ट स्कूल के रूप में बदलेंगे। आज इस कार्य का भी यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है, उस कार्य का भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर में जिला उद्योग केंद्र कार्यालय रामनगर में आपने देखा होगा गोरखनाथ मंदिर से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग तो फोर लेन हो गया है, लेकिन 10 नंबर बोरिंग से जब हम जला उद्योग केंद्र होते हुए उस मार्ग की तरफ जाते हैं तो वह टू लेन भी नहीं है, जगह तो है लेकिन बहुत संकरा है। आज वहां पर उस कार्य का भी फोर लेन के रूप में बदलने के लिए और आवागमन को और अच्छा बनाने के लिए इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है और कुल मिलाकर के 78 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। आज इस अवसर पर मैं गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। मंचस्थ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, महापौर जी हैं, माननीय विधायक गण हैं, इन सभी को मैं इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन भी करता हूं कि इन सबके प्रयास से आज एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर आज बदल रहा है। आज से 5 वर्ष पहले जो व्यक्ति गोरखपुर आया होगा आज अचानक रेलवे स्टेशन पर उतरेगा और उसको अगर पैदल ही राजेंद्र नगर की तरफ या मोहरीपुर की तरफ आना होगा तो वह भूल जाएगा कि क्या ये वही रास्ता है जो 5 साल पहले था, या अगर वह एयरपोर्ट से गोरखपुर सिटी की तरफ आएगा या रामगढ़ ताल की तरफ आएगा तो भूल जाएगा, क्योंकि आते ही सबसे पहले उसके सामने एम्स होगा, फिर रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण का कार्य होगा, फोर लेन की सड़कें होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी, तो भूल जाएगा, उसको लगेगा कि क्या मैं रवि किशन तो नहीं हूं कि मुंबई में रह करके गोरखपुर का सपना देख रहा हूं। लेकिन यह हकीकत है, जैसे रवि किशन एक हकीकत है, एक अच्छे कलाकार के रूप में, एक सांसद के रूप में आपकी सेवा भी कर रहे हैं और कला को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही गोरखपुर का विकास हो रहा है और सभी हमारे सांसद, महापौर, विधायक और इन सब के साथ साथ कालीबाड़ी के बाबा भी उनके साथ लगे रहते हैं, ये सब मिलकर के विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आज गोरखपुर बदला हुआ दिखाई देता है। आप इधर से जाएंगे, मोहरीपुर की तरफ जाएंगे तो फर्टिलाइजर कारखाना की जगमगाहट आपको सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। रात्रि को एक बार जाके देखिए थोड़ा कितनी चहल पहल फिर से हो गई है। आज से 30 साल पहले सुना करते थे ना लोग कि फर्टिलाइजर की तरफ चहल पहल है, फिर से चहल पहल वहां पर दिखाई दे रही है। एक तरफ फर्टिलाइजर और दूसरे कोने पर एम्स, एक तरफ यह फोर लेन की पूरी कनेक्टिविटी नेपाल जाने के लिए, महाराजगंज जाने मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज जाने के लिए,
कुशीनगर जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए और इसके साथ ही गोरखपुर में जू भी आ गया है, चिड़ियाघर भी आ गया है। आज चिड़ियाघर में भी आप जाएंगे हर समय हजारों लोगों की भीड़ रहती है। जहां चाहिए वहां आपको कुछ नयापन दिखेगा। और इस सब में अच्छी बात क्या है जो अभी महापौर जी ने बताया कि गोरखपुर में महापौर, विधायकगण, सांसद जी, पार्षदगण, ये सभी मिलकर के स्वच्छता के संकल्प के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये सभी करने में इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि देश के यशस्वी नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है, एक नई सोच दी है। आज हम यहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कर रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले इस प्रकार की गतिविधि एक सपना हुआ करती थी। लोग बोलते थे स्पोर्ट्स में पैसा खर्च करना ये सब बेकार है, मानते थे, लेकिन आज ये आवश्यकता है। ये हमारे सामर्थ्य का प्रदर्शन भी करता है, हमारे युवाओं के लिए जीवन के अनेक द्वार भी खोलता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। इससे पहले खिलाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी सोच लोग नहीं रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक नई जागृति लाने का कार्य किया और इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए। आज प्रदेश के हर जनपद में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में एक खेल के मैदान की स्थापना हो रही है। हर पार्क और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो रहा है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। ओलंपिक में खिलाड़ियों को अगर वह गोल्ड मेडल जीतता है तो प्रदेश सरकार उस टीम को पुरस्कृत करती है। कोई भी खिलाड़ी जो ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करता है, न केवल उन्हें नगद पुरस्कार से सम्मानित करती है बल्कि प्रदेश सरकार की नौकरियों में भी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने 500 खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार में अलग अलग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा और उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने नौकरियां उन्हें दी हैं, डिप्टी एसपी से लेकर के और कांस्टेबल तक की नौकरी उनको उपलब्ध करवाई है। यानी जिससे खिलाड़ी अपना पूरा समय इस खेल के लिए दे सके। खेलकूद की इन गतिविधियों को बढ़ाने, बढ़ावा देने के लिए ही और युवाओं के जीवन को सजाने और संवारने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज गोरखपुर में स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में जो गतिविधियां चल रही हैं आज खेलकूद की, ये उत्साहवर्धक है। नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश की टीम ने, अलग अलग टीम्स ने अच्छा स्थान प्राप्त किया और इस दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम इन गतिविधियों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सके। ऐसे ही जैसे कल आपने देखा होगा प्रदेश भर में हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए वृक्षारोपण महाभियान के साथ जुड़ करके पर्यावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े एक दिन में 21 लाख वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
कोई सोच सकता था इतने पेड़ लगेंगे? और मैं आप सबसे भी कहूंगा, ये पेड़ कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को बनाए रखने में, बचाए रखने में इसका योगदान है। यह हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन पेड़ लगाना और उसको बचा करके रखना, कोई भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न करे, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। और जैसे कल पूरे प्रदेश भर ने मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुट करके इसे सफल बनाया है, ऐसे ही गोरखपुर के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए अभी से जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा गोरखपुर स्वच्छ और सुंदर हो, हमारा नगर, हमारा जनपद स्वच्छ और सुंदर हो, यह एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, क्योंकि यह संकल्प हमारे बारे में लोगों की धारणा को तो बदलेगा ही, साथ साथ तमाम प्रकार की बीमारियों से भी हमारे शहर को, हमारे जनपद को मुक्त रखेगा। इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सभी से भी मुक्त रखेगा। और नहीं तो अगर गंदगी रहती जैसे पहले गोरखपुर की पहचान थी, कहीं गैंगवार चल रहा है, कहीं अपराधी लूट रहे हैं, कहीं पर अराजकता चरम पर होती थी, कहीं पे गुंडागर्दी होती थी, और कहीं मच्छरों का आतंक और गंदगी के कारण गोरखपुर में बीमारियों का भी आतंक होता था। इंसेफ्लाइटिस से आज से 6 वर्ष पहले इसी सीजन में सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, हॉस्पिटल में लोग पड़े रहते थे, और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उस समय कठिनाई होती थी, क्योंकि सरकार की कोई सोच नहीं होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं, क्योंकि नागरिक कर्तव्य, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में पंचप्रण की जो बात कही थी, उस पंचप्रण के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, जो प्रेरणा थी, उसमें नागरिक कर्तव्य भी एक बात है। और नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाने के लिए आज स्वच्छता सर्वेक्षण में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहा है। और मैं गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से, गोरखपुर के सभी नागरिकों से कहूंगा, अपने घर और घर के बाहर तो साफ रखना ही है, सड़क को साफ रखना ही है, नालियों को साफ रखना ही है, पार्क के साथ साथ खाली प्लॉट में भी गंदगी नहीं डालनी है, वहां पर भी पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए, प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर रखने के लिए हम सबको नगर निगम के इस महाअभियान के साथ जुड़ना होगा। अच्छे इसमें कंटेंट देने होंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, स्वच्छता हमारी पहचान बननी चाहिए, बीमारी से मुक्ति के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। ऐसे ही गोरखपुर में विकास भी हो रहा है, पर्यटन की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। पर्यटन की गतिविधियों का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में फिल्म की शूटिंग भी आज गोरखपुर में हो रही है, अनेक फिल्मों की शूटिंग हो रही है, अनेक फिल्में यहां शूटिंग करने के लिए, फिल्म की शूटिंग गंदी जगह नहीं होती है, अच्छी जगह हो, उस प्रकार का दृश्य हो, उस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य भी हो। संजोग से गोरखपुर में चारों ओर ताल हैं, एक तरफ रामगढ़ ताल, एक तरफ चिलवा ताल, एक तरफ महेश्वरा ताल, थोड़ी और जाएंगे बखरा ताल, नदियां हैं, राप्ती नदी भी है, रोइन नदी भी है, और अब तो गोरखपुर में गुड़धवा नाले को भी सुंदरीकरण करके उसको भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जल जमाव की समस्या का समाधान हो, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हुआ है। विकास के सभी प्रक्रिया इसलिए, जिससे गोरखपुर के युवाओं के लिए, पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी हो और पहचान का संकट भी न खड़ा होने पाए। लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी का परिणाम है, जब सभी लोग अपने अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी इसके अच्छे परिणाम आएंगे।
और इन जिम्मेदारियों को गोरखपुर वासियों ने, गोरखपुर के नागरिकों ने समझा, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा में भी ऑपरेशन कायाकल्प में जो कार्य आज नगर में हो रहा है, स्मार्ट स्कूल के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जाता जा रहा है। 63 विद्यालय जो अब तक जर्जर हालत में थे, क्लासरूम नहीं थी, थी तो जर्जर थी, अगर ठीक थी तो सीलन भरी हुई थी, बच्चे वहां जैसे तैसे बैठते थे। मैंने एक बार अपने पूरी विधायक निधि का पैसा उन स्कूलों में फर्नीचर के लिए दिया, लेकिन विद्यालय भवन जर्जर होने के नाते अभी भी लगता था कि इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण यहां पर तमाम संस्थाओं के साथ, ICICI और HDFC बैंक के साथ मिलकर के CSR के मत के माध्यम से इन सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। तब आप देखना ये बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल होंगे, जो गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं उन स्कूलों में आपको नई सुविधाएं देखने को मिलेंगी। एक नए स्वरूप में जब विद्यालय सामने आएंगे तो कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल भी उनके सामने फेल होती भी दिखाई देंगे, और उस दिशा में एक अच्छा प्रयास हो रहा है। आज बेसिक शिक्षा परिषद में आपने देखा होगा, अभी हमने पिछले सप्ताह ही 1,91,00,000 बच्चों को 1,200 रुपये हर बच्चे के लिए हमने उनके माता पिता के अकाउंट में पैसा भेजा है, जिससे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बन सके, जूता मोजा बैग आदि लिया जा सके और बच्चे समय पर स्कूल पहुंच सके, इसकी व्यवस्था के लिए पैसा भेजा है। हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म देने के लिए, जूता मोजा के लिए, स्वेटर के लिए, बैग और बुक्स के लिए सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है। इस प्रदेश भर में पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक शिक्षा स्कूलों के ऑपरेशन कायाकल्प में उन्हें स्मार्ट स्कूल के रूप में बदला जा चुका है और लगातार इस पर प्रयास हो रहा है। हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में जैसे आज यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, ऐसे नगरीय क्षेत्र में मुझे याद है आज से 9 साल 10 साल पहले, 5 साल 6 साल पहले शादी ब्याह के समय में जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी तो लोग जहां तहां सड़कों पर ही टेंट डाल करके शादी ब्याह का कार्यक्रम करने लगते थे। कुछ जगह मैरिज हॉल बने, लेकिन फिर भी गरीब के लिए कठिन होता है। होटल में हर गरीब नहीं जा सकता, हर व्यक्ति नहीं जा सकता, मैरिज हॉल में भी हर गरीब नहीं, हर व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने यहां पे नगर निगम से भी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भी कहा है कुछ कल्याण मंडप की स्थापना, जहां पर गरीब आसानी से अपना कार्यक्रम कर सके। हमारा प्रयास हो पहले महानगर के 6 स्थानों पर यह कल्याण मंडपम स्थापित हो, जिसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक हॉल बन जाए, कुछ रूम बन जाए, लॉन भी बने, उसके ऊपर भी कुछ रूम पर गेस्ट रूम भी बन जाए। शादी ब्याह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो, सभागार में 250-300 लोगों के बैठने के लिए बाहर लॉन भी बने, कायदे से अच्छा कार्यक्रम हो जाए और सस्ते में किसी भी गरीब परिवार को सस्ते में सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी हो जाए, तो मुझे लगता है हर प्रकार के मांगलिक और सार्वजनिक कार्यक्रम वहां पे करने की एक सुविधा घर नागरिक को उपलब्ध होगी। और पार्किंग की व्यवस्था भी हम उसमें दें, हम बहुत शीघ्र, मैं स्वयं भी विधायक निधि से उसमें कुछ पैसा उपलब्ध कराने जा रहा हूं, जो अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के कल्याण मंडपम बनाए जा सके। नगर निगम भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, जिससे हर नागरिक को सुविधा होगी, उसमें गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न कर सकता है, मांगलिक कार्यक्रम कर सकता है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकता है और लोगों को एक सुविधा उपलब्ध होगी। ये हम सिटी के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये बनाएंगे और नागरिकों को इससे सुविधा होगी। इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर जल निकासी की समस्या का समाधान करने की व्यापक कार्य योजना बन रही है। आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम किस रूप में,
जब बारिश हो रही कहीं पे, यहाँ तो एकदम सूखा पड़ा है, लेकिन जहां बारिश हो रही वहां एकदम भयंकर बारिश पड़ रही, एकदम मूसलाधार बारिश पड़ रही है। देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां इस समय बाढ़ आई हुई है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अभी से तैयारी। सार्वजनिक संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करते हैं, उसके संरक्षण में योगदान देते हैं, तो राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति ये हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता को प्रदर्शित करता है। और संजोग से आज भारत माता के दो ऐसे महान सपूतों की जयंती भी है, चंद्रशेखर आजाद, देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया था, काकोरी कांड के महानायक के रूप में जिनका बलिदान प्रयागराज में हुआ था, और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप का बलिदान किया लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने कभी समर्पण नहीं किया। आज उनका पावन जयंती है। भारत की आजादी के वे महानायक जिन्होंने अनेक महापुरुषों को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा दी, उनमें से बाल गंगाधर तिलक का भी एक नाम है। भाइयों बहनों, 1916 में लखनऊ में आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह उद्घोष बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर प्रदेश की धरती से दिया था। भारत की आजादी के अमर सेनानी है, और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उनके पावन जयंती पे गोरखपुर के उपहार मिल रहा है, और साथ साथ यहां के अब खिलाड़ियों को जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मैं कार्यदायी संस्था से कहूंगा एक समय सीमा के अंदर ये सब तैयार हो जाए, तो यहां के युवाओं को अपना कौशल प्रशिक्षण के लिए भी और अपना कौशल दिखाने के लिए गोरखपुर के बाहर नहीं जाना होगा। उसके बाद मैं जीडीए से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ एमओयू करते हुए अच्छे कोचेज हम स्पोर्ट्स से यहां उपलब्ध करवाएंगे, और यहां के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण भी हो, और फिर वे गोरखपुर की तरफ से और यहां जीडीए की तरफ से वे लोग खेलें, अच्छा रहेगा, उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहां का एक खिलाड़ी मेरे पास आया था शूटिंग के लिए, बिहार से खेल रहा था, मैंने कहा आने वाले समय में हम शूटिंग रेंज यहीं गोरखपुर में बनाएंगे, और मैं चाहूंगा कि यहां पे कार्य, यहां पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण उन लोगों से भी राय लें कि किस कितनी शूटिंग रेंज उनको चाहिए, किस प्रकार की रेंज चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट कैसे बनाना है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर भी और भी कॉम्प्लेक्स हम बनाए, कहीं पे ये चीजें बनाए, हमारा प्रयास होना चाहिए पक्की बाग में एक अखाड़ा है, या जनार्दन भीम, भारत भीम जनार्दन पहलवान ने भी यहां एक अखाड़ा बनाया था, इन सभी को भी हम कैसे पुनरुद्धार कर सकते हैं, वहां पर भी मैटिंग देने की कार्रवाई हो, उसके पुनरुद्धार की कार्रवाई हो, और भी नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने अभी नौसड़ के आगे बागागाड़ा से थोड़ी आगे एक लगभग 150 एकड़ लैंड हमने आरक्षित की है गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण के लिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। अब ये लैंड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर उस पर भी कार्य प्रारंभ कराएंगे, धीरे धीरे करके ये चीजें खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये हमारे युवाओं के सामर्थ्य को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनता है। आज इस अवसर पर एक बार फिर से ये सभी गतिविधियों के लिए आज एक नई चीज गोरखपुर को प्राप्त हो रही है। मैं एक बार सभी जनप्रतिनिधियों को और गोरखपुर वासियों को इसके लिए हृदय के लिए बधाई देता हूं, और विश्वास करता हूं कि हम सब इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय, आपका वरदहस्त, आपका संरक्षण शुभाशीष हम सभी के लिए
माननीय से अनुरोध है कि आपको हम सभी की ओर से आज आदरणीय आयुक्त महोदय कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट है कि आप स्मृति चिन्ह के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तालियों के साथ या स्मृति चिन्ह आदरणीय कमिश्नर सर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, इसके पश्चात अंगवस्त्रम आदरणीय सांसद महोदय से अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तदुपरांत आदरणीय आयुक्त महोदय के कर कमलों से माननीय सांसद सदर क्षेत्र को अंगवस्त्रम, आदरणीय आयुक्त महोदय के कर कमलों से मेयर सर को अंगवस्त्रम एवं आदरणीय वीसी जीडीए सर के कर कमलों से माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह सर को अंगवस्त्रम, तदुपरांत माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी को अंगवस्त्रम, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी को अंगवस्त्रम, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी को अंगवस्त्रम, मंचासीन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को अंगवस्त्रम एवं आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, आदरणीय महानगर अध्यक्ष।